हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ए सीड तो जो प्लांट के अंदर जो हम सीड देखते हैं तो ये सीड के आसपास कुछ स्पेशल फीचर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं कि जिसको हम कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कि कुछ ऐसे स्पेशल सीड्स होते हैं कि उनके प्रोटेक्शन के लिए एज वेल एज़ उनके प्रॉपर सपोर्ट के लिए उनके आसपास कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर्स वगैरह बने हुए होते हैं कि जिनको कहा जाता है स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सीड तो ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए कि अलग अलग समझो कि आप जीपेट के एग्ज़ाम देखें ड्रग इंस्पेक्टर है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम नाइपर एग्जाम एज वेल एज जितने भी अलग अलग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसके अंदर एज वेल एज समझो कि आप कोई थियोरी बेज्ड एग्जाम लिखते हैं एज वेल एज आप कोई वाइवा देते हैं एम तो सभी टाइप के फार्मा एग्जामिनेशनस के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो फार्माकॉग्नोसी में से पूछे जाते हैं तो स्पेशल फीचर्स जो हमें स्टडी करने हैं दैट आर फर्स्ट दैट इज एराइल उसके बाद एरिलोड अरिस्टा कैरंकल एंड द फिफ्थ वन दैट इज हैर तो ये पांचों जो कैरेक्टर्स से दे आर वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी फॉर द एग्जामिनेशन इसमें से विथ एग्जाम्पल आपको याद रखना होता कि एराइल है तो वो कौन से ड्रग के अंदर प्रेजेंट होता है एरिलोड की जो स्पेशल कैरेक्टर है सिडका तो वो किसके अंदर प्रेजेंट है कौन सी हर्बल ड्रग उसका एग्जाम्पल है वॉट इज अबाउट द अरिस्टा कैरिंग कलेन हेयर तो ये सभी को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल फाउंडर ऑफ फार्मर ऑग्स पर्सिंग द पी एच डी फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो ऐप ऊपर एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल की जो पी डी एफ एज वेल एज़ प्रिंटेड दोनों ऑप्शन में अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज़ भी आप सॉल्व कर सकते हैं वीडियो लेक्चर एंड गेट द ऑनलाइन कोर्सिस ऑन अवर एव फार्मर ऑक्स सो डाउनलोड करिए फार्मर ऑक्स गेट द लिंक इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो जो स्पेशल फीचर्स है की कि, कि जो ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि स्पेशल फीचर्स ऑफ ए सीड तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम देख रहे हैं एरिल दैट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ए नटमेक नटमेक जिसको हम कहते हैं हिंदी में जायफल जो कहते हैं तो जायफल के अंदर ये एराइल टाइप का स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ अभी जस्ट ओवरव्यू देख लीजिए फिर कार्डिबम जो है कि जिसको इलायची कहते हैं हम तो कार्डिबम के अंदर ये जो हम देख रहे हैं दैट इज़ एरिलोड तीसरा देखिए आप यहाँ पे कि जो स्ट्रोफेंथस जो ड्रग होती है उसके अंदर प्रेजेंट ये अरिस्टा फोर्थ है कैस्टर का जो एग्ज़ाम्पल है तो ओरिजिनली ये सीड होते हैं कैस्टर के दीज आर मेन सीड ऑफ कैस्टर बट उसके आसपास ये आउट ग्रोथ होती है ये जो आप देख रहे हैं तो ये जो है वो सीड के प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए कि जिसके कारण कि समझो कि ये सीड को कोई एनिमल ना खा खा ले या फिर कोई जो बर्ड्स वगैरह उसको परेशान ना करे और उसके कारण वो सीड डैमेज ना हो उसके लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास ये स्ट्रक्चर है कि जिसको हम कहते हैं कैरंकल फिर जो हम कॉटन यूज करते हैं तो कॉटन के ये जो मेन सीड ये है कि जिसमें से कॉटन सीड ऑयल निकाला जाता है ये जो मैं राउंड कर रहा हूं दैट आर द मेन सीड ऑफ द कॉटन की जिसमें से हम कॉटन सीड ऑयल निकालते हैं तो उसके आसपास ये जो हेयर जो होते हैं ये होते हैं कॉटन के हेयर और वो हम यूज़ करते हैं अलग अलग कि जो कपड़े बनाने के लिए रेडीमेड जो क्लोथिंग्स होते हैं एज़ वेल एज़ जो भी हम कापड़ तैयार करते हैं कपड़ा तैयार करते हैं कुछ भी तो उसके अंदर कॉटन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो हम कहें कि जो कपड़े बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से एज वेल एज़ कॉटन जो है उसके धागे भी बनाए जाते हैं तो बहुत सारे उसके बेनिफिट है यूज है तो ये जो है स्पेशल फीचर्स ऑफ ए सीड शुरू करते हैं फर्स्ट सीड से तो सीड सबसे पहले क्या है तो सीड को जिसको हम हिंदी में बीज कहते हैं तो किसी भी आपको बीज लो तो उसके अंदर से हम कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखे उसके अंदर तो सीड के आसपास उसका होता है एक प्रॉपर कोटिंग कि ये वाला ग्रे कलर का जो हम या फिर ब्राउनिश कलर का जो अभी मैं ये राउंड कर रहा हूँ पूरा तो दैट इज़ सीड कोट फिर ये जो हम येलो कलर का ये वाला भाग देख रहे हैं दैट इज़ द दे एम्ब्रियो दैट इज़ द एम्ब्रियो और ये जो पोर्शन और जो देख रहे हैं ये वाला सेंटर में जो जितना भी पोर्शन है तो दैट इज फूड स्टोर कि जहाँ से जो सीड है वो अपना न्यूट्रिशंस जो है वो अपटेक करता है और आगे जाके ये एम्ब्रियो में से तैयार होता है एक नया प्लांट तो द स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड कैन ग्रो कि समझो कि आप कॉटन सीड यूज़ करते तो उसी से आप कॉटन को ग्रो कर सकते हैं कि जिसको हम घोसीपी भी कहते हैं सेम लाइक दैट मैंगो है तो मैंगो के सीड लगाओगे तो आपको मैंगो का प्लांट तैयार होता है तो जो सीड है कि जिसको हम कहते हैं बीज तो जब कोई सीड हम लगाते हैं तो वो सीड के कारण वो हम सेम प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं और ये जब प्लांट अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो उसी के ऊपर नए सीड लगते हैं और वो सीड को यूज करके हम फर्दर नया प्लांटेशन भी कर सकते हैं तो अ सीड इज़ एन एम्ब्रियनिक प्लांट एनक्लोज इन ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग एम्ब्रियोनिक प्लांट जो हम कहे कि जो एम्ब्रियो है कि जो सिम्पल वर्ड में जो हम कहे कि जो गर्भ होता है तो ये है एम्ब्रियोनिक प्लांट और ये जो अभी यहाँ पे डाइग्राम में हम देख रहे हैं कि दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सीड और उसी में से नया जो प्लांट तैयार होता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये आउटसाइड आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होता है तो ये जो कवरिंग से वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि जो स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं कुछ प्लांट के आसपास तो उसमें से जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज द एयर तो यहाँ पे पॉइंट समझिए यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है कि A succulent growth, succulent growth from the hilum, covering the entire seed, as present in a nutmeg and एंड seeds, is the example of which of the following? तो उस वक्त आपको ऑप्शंस में चार ऑप्शन समझो कि दे दिए है कि एक एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे दैट इज एराइल दिया है दूसरा ऑप्शन बी दिया है आपको कैरंकल का दिया है ऑप्शन सी दिया है वो है हेयर, ऑप्शन डी आपको दिया है दैट इज नन ऑफ दिस तो ये हो गया क्वेश्चन का सेंटेंस किस से एक्सेलेंट ग्रोथ फ्रॉम हाइलम कवरिंग द एंटायर सीड एज इन नट में गेन यू सीड्स तो उस वक्त आपको सही आंसर फाइंड आउट करने के जब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आपको पता हो जा कि नटमेक के अंदर ऑलवेज प्रेजेंट होता है ये एराइल टाइप की आउटग्रोथ कि यहाँ पे जो हम आउटग्रोथ देख रहे हैं कि ये जो है वो नटमेक का ओरिजिनल सीड ये सीड के आसपास ये मैस या फिर एराइल जो है वो प्रेजेंट होता है कि ये देखो ये वाला जो लेयर ये निकाल के दी रख दिया है और ये ओरिजिनल अब जब ये लेयर हम रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट हमें ये वाला मिलता है सीड कि जिसको हम जायफल कहते हैं यहाँ पे देखिए कि जब कंप्लीटली ड्राई नहीं होता उस कंडीशन में कि जो अनराइप कंडीशन में है तो ये रेड कलर का जो लाइनिंग जो हमें देख रही है दैट इज एराइल दैट इज़ द एराइल ये वाला एराइल है और एराइल को रिमूव करने के बाद ये वाला जो आप देखेंगे तो दैट इज़ नटमेक नटमेग सीड तो नटमेक जी एक एग्जाम्पल है या फिर ये क्वेश्चन तरीके से पूछा जाता है कि एराइल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कि प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग तो उस वक्त आपको फाइंड आउट करना है कि अराइल इज प्रेजेंट इन नटमेग एज वेल एज ऑल्सो इन ए यू सीड एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एराइल दैट इज़ पॉमे ग्रेनेट पॉम ग्रेनेट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले कि ये है उसकी पील ये वाला पोर्सन आल्बेडो और ये एराइल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि जो उसके दाने हैं कि जिसको हम अनार कहते हैं हिंदी के अंदर कि जो अनार दाने होते हैं तो अनार दानों के अंदर जो सीड्स होते हैं उसके आसपास भी ये स्पेशल जो ग्रोथ होता है दैट इज़ अ और एराइल तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया नेक्स्ट सीखते हैं अब दैट इज एरिलोड तो एरिलोड की आउटग्रोथ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माइक्रोफाइल एंड कवरिंग द सीड एज इन कार्डेम आउटग्रोथ जो है आउटग्रोथ कहा से होता है फ्रॉम माइक्रोफाइल तो जो माइक्रोफाइल का जो पोर्शन होता है वहां से आउटग्रोथ होता है किसी भी सीड के अंदर और उसके जो मेन दाने होते हैं वो वो जो लेयर होता है उसके अंदर प्रोटेक्ट होते हैं कि जैसे कि ये वाला या फिर ये हम देखें तो दैट इज एरी लोड ये वाला जो है दैट इज उसको हम कह सकते हैं एरी लोड अब एरी लोड को मैं समझो कि रिमूव करता हूँ उसका लेयर तो अंदर से मुझे ये ये सब अलग अलग वहां पे अरेंज हुए आपको सीड देखने को मिलते हैं तो दीज आर द सीड ऑफ कार्डेमम। कार्डेम। कार्डेमम के जिसको हम कहते हैं इलायची तो इलायची के जो दाने हैं वो अंदर से हम निकालते हैं और फिर उसको क्रश करके या डायरेक्टली हम यूज करते हैं अलग अलग प्रिपरेशंस के अंदर तो फूड प्रिपरेशंस के अंदर एज वेल एज बहुत सारे अलग अलग फ्लेवरिंग के अंदर भी ये एरी लोड निकालने के बाद जो अंदर से जो हमें सीड मिलते हैं कार्डिमम के जिसको हम इलायची कहते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं तो ये जो ग्रीन कलर का पूरा देखिए कि सभी सीड के आसपास ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है तो ये सीड के अंदर जो उसके जो वॉलेटाइल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्रैगनेंस होती है वो जो है वो प्रोटेक्ट होती है ड्यू टू दिस एरी लोड के समझो कि एरी लोड निकाल के आप ये सीड रखोगे तो उसकी जो फ्रैगनेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी बट समझो कि उसके आसपास एरी जब तक प्रेजेंट होगा तब तक ये अच्छे से उसका प्रोटेक्शन होगा एंड दैट इज कवरिंग द सीड्स इन ए कार्डिमम तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे भी हमसे क्यों पूछा जाता है कि एरी इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग तो यहाँ पे समझो कि चार ऑप्शन दे दिए हैं एबीसीडी और वहाँ में वहाँ पे एक ऑप्शन कार्डिमम का है तो दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन कार्डिमम। तो ये है एरीलोड आगे सीखते हैं थर्ड वन दैट इज अरिस्टा तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको अच्छे से पकड़ना है दैट इज ये वाला कि स्टीफ ब्रिस्टल लाइक like appendage विथ मैनी फ्लावरिंग ग्लम्स ऑफ grasses. तो यहां पे देखिए ये वाला ये देखिए यहां पे आपको ये जो दिख रहा है दिस वन हाईलाइटर से आपको अच्छे से नहीं दिखेगा मैं पॉइंटर लेता हूं जिससे आपको पता चलेगा ये वाला ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं दिस वन कि जैसे कोई फ्लावरिंग ग्लम्स वगैरह हो वो सब सीड के आसपास प्रेजेंट है कि वो निकालने के बाद सीड आपको जैसा मिलता है कि दिस इज द ओरिजिनल दैट इज सीड बट जो फ्लावरिंग ग्लम्स जैसा देखता है स्टीफ डिजिटल लाइक ये स्ट्रक्चर है यहां पर देखने को मिलता है ये वाला देखिए तो उसको हम कहेंगे अरिस्टा और ये अरिस्टा उसके अंदर अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा सीड को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा सीड को तो ये फाउंड होता है स्ट्रोफेंथस के अंदर कि स्ट्रोफेंथस कॉम्बे जो हम कहते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट है अरिस्टा तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट आई पॉइंट कहूंगा आपके लिए फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस जरूर से उसको अच्छे से तैयार करिए आगे समझिए कैरंकल तो कैरंकल एट मींस वार्टी आउटग्रोथ ये वर्ड पे खास फोकस करने आपको वार्टी आउटग्रोथ फ्रॉम माइक्रोबाइल तो यहां पे देखिए ये वाला जो है दिस वन कि जैसे हम देखते हैं कि कोई वायरस होता है और वायरस के ऊपर ये जो हम प्रोटीन्स ड्रॉ करते हैं कि ये जो प्रोटीन का एक लेयर होता है किसी भी वायरस के अंदर और अंदर ये जो उसका मेन वायरस का कैप्सिड तो सेम लाइक आप यहां पे भी देखिए कि कैरंकल भी ऐसा ही दिखता होता है तो ये इसके अंदर कि समझो कि ये वायरस का जो आसपास प्रोटेक्टिव लेयर है तो इसमें से ये हमने अंदर से निकाला तो अब इसको हम कंसिडर कर दे एज अ कैरंकल तो ये समझिए ये है कैरंकल और उसके अंदर रहा ये आपका सीड ये आपका सीड तो ये है मेन सीड ये वाले मेन सीड जो है वो आप देख सकते हैं और ये वाला जो है ऊपर जो ग्रीन कलर का जो आप जैसे कांटों के जैसे एक देख सकते हैं कि जैसे ये देख सकते सार कांटो जैसा उसके ऊपर होता है कि जिसको हम कहते हैं कैरंकल तो कैरंकल का जो फेमस एग्जामिनेशन एग्जाम्पल है दैट इज कैस्टर तो कैस्टर जो होता है और ये इसमें से कैस्टर जो सीड है उसमें से निकाला जाता है ऑयल कि जिसको हम कहते हैं कैस्टर ऑयल कि जो पावरफुल एक्जटिव एज वेल एज परगेटिव के तौर पर यूज़ करते हैं हम कॉन्स्टिपेश वगैरह के ट्रीटमेंट के अंदर तो ये जो कैस्टर ऑयल जो हमें मिलता है तो उसके लिए जो कैस्टर के सीड अच्छे से प्रोटेक्ट होना जरूरी बिकॉज इसके अंदर ऑयल होता है तो कई बार एनिमल या फिर बर्ड वग़ैरह उसको डैमेज करते तो जिसके कारण ये एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया है कैस्टर के प्लांट को और उसके सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे वो अच्छे से प्रोटेक्ट होते हैं फिर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है क्रोटॉन का कि ये वाला है दैट इज कैस्टर और ये वाला जो सेकंड है दैट इज क्रोटॉन तो क्रोटॉन की ये जो आप देख सकते हैं कैरेंकल और उसके अंदर प्रोटेक्ट होता है उसका सीड तो ये कहे जाते हैं वार्टी आउटग्रोथ फ्रॉम माइक्रोपाइल तो दिस इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और तीसरा उसके अंदर एग्जाम्पल है वो है वायोला मोरिंजा तो ये तीनों एग्जाम्पल कैरेंकल कल के आपको याद रखने हैं ये भी है आपके लिए मोस्ट आईएमपी नेक्स्ट सीखते हैं दैट इज हेयर्स। तो हेरस जो है घोसीपियम जो प्लांट है हमारा कि जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कॉटन जिसको क्या हम कहते हैं कॉटन तो कॉटन में देखिए ये वाले जो है उसके सीड है यहाँ पे दिस ऑल आर द सीड ऑफ कॉटन की जिसमें से हम निकालते हैं ऑयल ये सीड बट ये जो व्हाइट कलर के जो हम देख रहे हैं दैट आर देयर्स कि ये जो जितने भी वाइट कलर के जो हेर्स है तो ये हेयर्स जो है वो सीड के ऊपर लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट है तो ये उसका स्टेम स्टेम के ऊपर ये फ्लावरिंग हुआ और ये यहाँ पे उसी के अंदर तैयार होते हैं सीड तो अंदर जो एक सीड होगा कि समझो कि अंदर की ओर मैं आपको दिखाता हूं ऐसे कोई सीड जस्ट इमेजनेशन आपको करना है तो वो सीड के आसपास ये पूरा ग्रो हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो ये जो हेयर है वो अंदर रहे जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो कॉटन जब हम प्लांट लगाते तो दो चीज हमें काम आते हैं एक तो कॉटन कि जो ये हेयर है तो यहाँ पे जो आउट ग्रोथ है ये एक टाइप की आउट ग्रोथ ही है दिस इज वन ऑफ द आउट ग्रोथ बट आउट ग्रोथ ही मेन प्रोडक्ट बन जाती है कई बार कि आउट ग्रोथ भी प्रोडक्ट के तौर पे काम करती है उस साथो साथ वो जिसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो सीड तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए कि जिसमें से हम निकालते हैं कॉटन सीड ऑयल कि जिसको कपासिया तेल भी हम कहते हैं तो कॉटन सीड ऑयल तो यूज़ करते ही हम बट साथ उसका जो कॉटन है वो भी हम बहुत ही यूज़ करते हैं कि जो स्पेशली क्लोथ बनाने के लिए कपड़े बनाने के लिए हम कॉटन को यूज़ करते हैं थ्रेड्स बनाए जाते हैं और फिर उसमें से जो है वो कपड़े तैयार होते हैं दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो है कैलो ट्रिप्स का आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ आउट ग्रोथ तो कैलो ट्रिप्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एग्जाम्पल दैट इज़ कैलो ट्रिप्स तो कैलो ट्रिप्स का ये देखिए हाथ में जो पकड़ कई बार आपने ये उड़ते हुए देखे होंगे कि इस टाइप के जो स्ट्रक्चर जो होता है जिसको कैलोट्रिप्स कहते हैं तो ये जो उसके हेयर होते हैं ये सब जो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस ऑल आर द हेयर ये हेयर कहाँ से निकल रही है देखिए तो ये हेयर यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सीड को इवन ये वेट में इतने हल्का होता है कि ये जो सीड है उसको कैरी करके बहुत ही अलग अलग जगह पे ले जाते हैं और जहाँ पे ये गिरते हैं और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वहाँ पे फिर कैलो ट्रिप्स का जो प्लांट है वो तैयार हो जाती है समझो कि ये जो सीड ये हेयर के साथ कई जगह पे ट्रैवल करता है कि उसका वेट एकदम लाइट होता है जिसके कारण हवा के साथ ये बहुत दूर दूर, दूर जगह पे भी वो चले जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है और जब नीचे गिरते हैं तो उसमें से फिर ये तैयार होता है उसका प्लांट तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी हम सीड देख रहे हैं दिस आर द सीड ऑफ़ कैलोट्रिप्स और उसके आसपास ये आउट ग्रोथ की जिसको हम कहते हैं उसके हेयर्स। तो ये था स्पेशल फीचर्स की जो हम कहते स्पेशल कैरेक्टर्स के स्पेशल फीचर्स का कि जो प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट के सीड्स को तो कुछ ऐसे प्लांट है कि जिसको इस तरह की स्पेशल अरेंजमेंट दी हुई है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी है तो ज्वाइन करिए फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप के हेल्पलाइन नंबर है सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एक्सेस करिए एप फार्मारॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड ऐप एज वेल एज एप्पल आईफोन पर से आईफोन आई यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लैक्चरान या फार्मार्क्स